यहां मैं आपको इस वीडियो और आगे के वीडियोस की रूपरेखा बता देता हूं इस वीडियो में हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे उसके आगे के वीडियोस में वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन फिर नल वेक्टर, फिर वेक्टर रिजोल्यूशन जो कि एडिशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है फिर वैक्टर मल्टीप्लीकेशन में स्केलर प्रोडक्ट और वैक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसमें हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को और पिक्टोरियली ऑन पेपर्स कैसे शो करेंगे वेक्टर्स को ये बताएंगे सबसे पहले मैथमेटिकली वेक्टर को इंग्लिश लेटर के स्मॉल या कैपिटल के ऊपर एरो लगाकर डिनोट करते हैं जैसे कि वी एरो से हम वेलोसिटी वैक्टर को डिनोट कर सकते हैं इसी प्रकार ए वैक्टर से फोर्स ए के ऊपर एरो लगा के एक्सलरेशन पी के ऊपर एरो से मोमेंटम को डिनोट कर सकते हैं बुक्स में अक्सर वैक्टर्स को बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं जैसे वी बोल्ड एफ एंड ए एटसेट्रा वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मॉड लगाकर डिनोट करते हैं जैसे वी वैक्टर मॉड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है कभी कभी मॉड नहीं भी लगाते हैं जैसे अगर हमने F लिखा है और हमको पता है कि F फोर्स को डिनोट करता है तो ये वैक्टर के मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करेगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है अब पिक्टोरियली वैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए वैक्टर में दो इन्फॉर्मेशन होती हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसलिए जो पिक्चर हम बनाएंगे वेक्टर की उसमें दोनों को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वेक्टर की पिक्चर में हम वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं एक एरो बनाते हैं जिसकी एरो की लेंथ जो होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है और जो एरो बना होता है हेड पर जो वो डायरेक्शन को डिनोट करता है तो आगे से कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने आती है तो आप उसको कैसे विजुलाइज करेंगे एक एरो की तरह से वेक्टर्स आर बेसिकली एरोस